ओम शांति। हम सभी कनाडा वासियों की तरफ से पावर ऑफ साकाश की टीम को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आउट ऑफ बॉडी मूवी बनाकर सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत परमात्मा प्रत्यक्षता का रास्ता खोला है। जैसे ही हमने मूवी स्टार्ट की तो ऐसा लगा कि ये लड़ाई, ये झगड़ा, वेरी इग्नोरेंट पर्सन जो एक एक्टर के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं, और जैसे ही गार्ड की आवाज़ सुनाई दी एकदम से जैसे एनर्जी फ्लो होने लगी कि वाह, सो ब्यूटीफुल। और कॉन्सेप्ट इस मूवी का इतना खूबसूरत है कि जैसे हम शरीर में हैं एक पल में शरीर से बाहर, लेकिन कॉन्शियसनेस एकदम वैसी की वैसी। जैसे ही हम अपने इस शरीर को छोड़कर बाहर जाते हैं तो कितना खूबसूरत बताया है कि रियलाइजेशन, जो गलतियां हम इस शरीर में रहते हुए करते आए हैं इग्नोरेंट होकर, और पता ही नहीं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और इस तरह से हम बहुत सारे पाप के कर्मों के भागी बन गए। और जैसे ही हम इस शरीर को छोड़कर वहां पहुंचते हैं जहां पर इन बातों का एहसास होता है, और जो इस फिल्म में दिखाया है प्रभु की आवाज़, उस आवाज़ में इतनी शक्ति, इतनी भरपूरता थी कि उसको सुनते हुए ऐसे लग रहा था कि मैं आत्मा खुद सुन रही हूँ। और इसके साथ साथ जैसे जैसे मूवी में आगे बढ़ते जा रहे थे और उस आत्मा की रियलाइजेशन बढ़ती जा रही थी कि किस तरह से परमात्मा हमें अभी से ही बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम नहीं सुनते तो हमारे को ये आवाज़ उस वक्त सुनाई देती है जब हम देह में नहीं होते। और इस तरह से चलते 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 इस मूवी की जर्नी करते हुए जो एंड आया, तो एंड में किस तरह से परमात्मा हर बच्चे के लिए रहम दिल है, और उस रहम दिल बनके जैसे कि उसने सारी गलतियों को माफ भी करवा दिया, और साथ साथ ये भी कहा कि जो कर्मों का भोग है वो तो भोगना ही है, और जाने के लिए कहा कि अब तुम नया जन्म लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत, शक्ति भाई को बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने इकोनॉमी भी की है इस मूवी में, कि इसमें सारी मूवी उन्होंने फोन से तैयार की है और इतना खूबसूरत मैसेज सबको दिया है। तो हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरी टीम को, और जल्दी मिलते हैं नई मूवी के लिए। ओम शांति।